एंड अभी हैंडल भी ये वाला हिल रहा है, जस्ट हैव अ लुक। ऑल राइट यू ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज जेसन, की हाल चाल, सत श्री अकाल। तो मैं आज लाइफ में पहली बार चलाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। इस वीडियो में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक ओवरव्यू में इस बाइक के बारे में बता दूंगा कि मुझे कैसा लगा, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सीन ये है, अभी मैं हूँ भूटान के अंदर में, मेरा एक रोड ट्रिप चल रहा है, बट पूरा रोड ट्रिप का वीडियोस बाद में आएगा, इसका वीडियो आप सबके लिए पहले बना के डाल रहा हूँ, शॉर्ट एंड क्विक एंड रॉ। सो लेट्स गो। एजेंडा ये है कि हम लोग अभी वैसे पारो के अंदर में हैं, भूटान के अंदर में, और यहाँ पे आपने सुना होगा टाइगर नेस्ट के बारे में। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं टाइगर नेस्ट को विजिट करने। मैं चला रहा हूँ इंटरसेप्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मैंने सोचा एक क्विक व्लॉग आप सबके लिए बना दूँ कि मेरा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस क्या है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये वाला बाइक बिलोंग करता है बिल्लू बाइकर को, जो बैंगलोर से हमारे दोस्त हैं। इन्होंने इसके अंदर में एक तो ये हैंडल कस्टमाइज करा रखा है, इनफैक्ट ये सीट कस्टमाइज करा रखी है। स्मूथ मोटरसाइकिल सोफा, मैक्सिमम आरपीएम है 9000 एंड टॉप स्पीड दिखा रखा है अराउंड 200 एंड आई एम श्योर कि 140-160 जाता होगा। 160 जाता है? अरे वाह क्या बात है बुलू भाई, 160 ये जाता है, अच्छी लगी। आपने कितना चलाया? 160 चलाया? ओके, सो एज पर हिम ही हैज ऑलरेडी रिडन at the top speed of 165 kilometers per hour. What a beautiful town Paro. I must recommend, अगर आप लोग यहाँ आते हो भूटान में तो यहाँ तो ज़रूर से विजिट करना, it's a very very beautiful place. So अभी बाइक मैंने चला लिया 10-15 किलोमीटर पारो के अंदर में ही। This is भूटान, basically we are in Paro. It's a beautiful place here. आप देख सकते हो यहाँ पर landscape बहुत बढ़िया है। नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इट्स अ 650cc इंजन, ट्विन सिलेंडर, प्रोड्यूसिंग द पावर ऑफ 47 bhp एंड 52 Nm ऑफ टॉर्क। बाइक का ड्राइव वेट अराउंड 202 किलो 202 एंड जो ये टैंक है इसकी कैपेसिटी अराउंड 13 लीटर्स। सो फार बाइक काफ़ी स्मूथ मुझे लग रही है, इट्स अ डुअल चैनल ABS, तो ब्रेकिंग भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आ रही। बट हाँ, माई राइड इज़ बम्पी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है एंड छोटे मोटे जर्क के अंदर भी मेरा बाइक उछल जाता है एंड ऐसे ऐसे फील होता है। ब्रेकिंग ठीक ठाक लग रही है अभी के लिए, दो बंदे बैठे हैं, अभी मैंने टेस्ट किया था, 120 तक लेके गया था मैं, 9000 तक का RPM इसमें दे रखा है। सो मुझे बाइक काफ़ी स्मूथ लगी, इनिशियल जो टॉर्क है वो कम है, मिड रेंज पावर डिलीवरी बहुत अच्छा है और टॉप एंड भी अच्छा ही दे रहा था क्योंकि इससे ज़्यादा रोड हमारे पास नहीं था भगाने के लिए। सो कह सकते हो दोस्तों लुक एंड फील में इट्स गुड एंड साउंड भी बहुत बढ़िया है, जनरली ऐसा साउंड मैंने नहीं सुना किसी भी रॉयल एनफील्ड में। एंड इनफैक्ट आपने मोटरसाइकिल देखे होंगे ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल, जैसे ट्रायम्फ, थ्रक्सन, ये ऐसे ही बहुत सारे मोटरसाइकिल आते हैं जो लुक अलाइक लगते हैं, तो कह सकते हो उनका प्राइस होता है यार 10 लाख 12 लाख 13 लाख, और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये देखो दिल्ली में मिल जाता है आपको अराउंड 3 लाख रुपये एंड बैंगलोर में इसका प्राइस है 3,09,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इस प्राइस में बाइक बुरा नहीं है, और इनफैक्ट इसका एक सर्विस कराने के बाद जो दूसरा इंटरवल है दैट इज अराउंड 10,000 किलोमीटर्स, और बुलू भाई से बात करने के बाद पता लगा कि उनको माइलेज मिल रहा है इसका 25-26 का, तो बहुत अच्छा माइलेज वो निकाल पा रहे हैं इसके अंदर में से। एंड आई जस्ट सॉ हार्ली डेविडसन, आई टेल यू दिस इज द फर्स्ट बाइक हियर विच आई सॉ अपार्ट फ्रॉम अदर बाइक्स, बेसिकली देयर वर नो अदर बिग बाइक्स, पहला हार्ले डेविडसन मुझे अभी अभी दिखा भूटान का ये वीडियो बनाते बनाते। चलो लेट्स ट्राई दिस इंटरसेप्टर ऑन द कर्व्स कि कैसा परफॉर्मेंस देती है। अभी मैंने फुल थ्रॉटल खोला हुआ है, ऑब्वियसली एज ए सेट की जो मिड रेंज स्टॉक है वो अच्छा है एंड अभी हैंडल भी ये वाला हिल रहा है, जस्ट हैव अ लुक। एंड ये इसलिए हिल रहा है क्योंकि बुलू भाई कह रहे हैं कि पीछे में एक टॉप बॉक्स लगा हुआ है उसके वजह से इसका ये हैंडल ऐसे हिलता है, बट आई एम नॉट श्योर कि स्टॉक बाइक में आपको कैसा देखने को मिलेगा। कर्व्स पे ट्राई करते हैं, थोड़ा सा लीनिंग करके देखते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस मुझे आता है इसके टायर्स के साथ में। एंड दीज आर द स्टॉक टायर्स, कौन सी कंपनी के? पेरेली है। ओके, सो इसमें डले हुए स्टॉक टायर्स पेरेली के एंड आई एम राइडिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन द कर्व्स। सो थोड़ा सा मुझे अभी कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा, बट ऑब्वियसली राइडिंग विद अ पिलियन इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। यू cannot judge a motorcycle with a pillion because बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो जाता है पीछे किसी को बिठाने के बाद में।
बट देखो यार, मैं तो सिंपल सा चीज़ जानता हूँ कि मैं ड्यूक चलाने वाला बंदा हूँ, मुझे पता है कि उस प्राइस रेंज में ये है और ऑलमोस्ट जो स्पेसिफिकेशंस के फिगर्स हैं वो भी सेम है। बट ड्यूक इज़ सो क्विक, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इंप्रेशन इट लुक्स फैंसी। सेकेंडली उसका कैटेगरी चलो थोड़ा सा अलग है, स्ट्रीट कैटेगरी है, इसको टूरिंग में हम लोग काउंट करेंगे। बट जब प्राइसिंग की बात आती है, प्राइसिंग सेम है और आप लोग भी डिसीजन लेना चाहोगे, तो अभी तक जितना मैंने इसको चलाया, मैं आपको ये बता दूं कि यार देखो, अगर आपका पर्पस है टूरिंग करना और एक कल्ट है, बेसिकली रॉयल एनफील्ड इज़ अ कल्ट, आपको वो बढ़िया बढ़िया ऐसे जैकेट पहन के ग्रुप का पार्ट होना है, लंबी राइड्स करने हैं, तो यार गो फॉर इट। क्योंकि 3 लाख रुपये मुझे नहीं लगता ज़्यादा पैसे हैं ट्विन सिलेंडर इंजन के लिए। एंड देन अगेन, रिलायबिलिटी है रॉयल एनफील्ड का, पर्टिकुलरली मैंने बहुत सारी रॉयल एनफील्ड चलाई है, मुझे ये वाली सबसे स्मूथ लग रही है। इसका इंजन साउंड भी अच्छा है, एग्जॉस्ट नोट भी अच्छा है और दिखती भी अच्छी है। चलो अब डाउन हिल ट्राई करते हैं, क्योंकि अप हिल पे टर्न्स पे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, और डाउन हिल में आपका ब्रेक का ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ग्रेविटी आपको पुल करती है। सो लेट्स सी, नाइस, वाओ, ओए होए 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 होए, सिर्फ बम्प लगा पीछे में, क्योंकि अगेन थोड़ा सा सॉफ्ट है पीछे का भी सस्पेंशन जो है। ब्रेकिंग अच्छा है, ब्रेकिंग मैं कह सकता हूँ अच्छा है, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है इतना वजन लोड करके बाइक के ऊपर में भी, कर्व्स के ऊपर में भी ब्रेक तो अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ द रूट बाय द वे फॉर द टाइगर मोनेस्ट्री, मुझे दिख रही है वो राइट में ऊपर में पहाड़ के ऊपर में, वो क्लिफ के ऊपर में, बहुत ही बढ़िया लग रही है यहाँ से, मुझे पता आप लोगों को नहीं दिख रही होगी। सो वहाँ जाके दिखाएंगे, और ऊपर चढ़ने के लिए 4 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा, वॉकिंग वॉकिंग करके, ट्रैकिंग ट्रैकिंग करके। एंड यहाँ आ गए बहुत सारे बम्प्स और बहुत सारे पॉट होल्स, तो इसमें बजा के देखते हैं बाइक को, ढक 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 ढक। ऑब्वियसली 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 इट्स अ रॉयल एनफील्ड, तो यार सस्पेंशन पे थोड़ा सा काम और हो जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता। तो पीछे से जो एग्जॉस्ट नोट निकल रहा है ना, उसका साउंड मेरे को तो भाई देखो, जो महंगा वाला बाइक होता है ना वैसा लग रहा है। ऑब्वियसली अभी स्टॉक एग्जॉस्ट है, इसके लिए भी आफ्टर मार्केट आते हैं और वो लग जाएंगे इसके अंदर में, तो मज़ा ही आ जाएगा। सो मेरे को एक USP लग रहा है इस बाइक का, कि इसके ऊपर में पीछे में ना आप सैडल बैग्स लगा के या हार्ड शेल वाले बॉक्सेस लगा के, टॉप बॉक्स लगा के, पिलियन के साथ भी टूरिंग कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाला। क्योंकि जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और बीच में रोड भी थोड़ा ख़राब है, सो जर्क भी आ रहे हैं बट कंट्रोल हो रहा है, बाइक बहुत आराम से कंट्रोल भी हो रहा है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही इसको चलाने में। आई एम वेरी हैप्पी राइडिंग दिस। सो गाइस, हम लोग ऐसे पहुंच गए हैं जहां हमें पहुंचना था, वो है वहां पे जो है टाइगर नेस्ट है, बेसिकली मोनेस्ट्री है वहां पे क्लिफ के ऊपर में, तो वहां हम लोग जा रहे हैं। बट ये वाला वीडियो यहीं एंड करते हैं, इसमें मैं आपको फिर से और भी बता देता हूं जो मेरा पूरा राइड एक्सपीरियंस है। देखो सबसे पहली चीज़, बाइक देखने में अच्छी है, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, कलर स्कीम बहुत बढ़िया लग रहा है, वाइब्रेशन बिल्कुल कम है, हैंडल इसमें कस्टमाइज है, सीट कस्टमाइज है, इसलिए मैं आपको स्टॉक सीट के बारे में और स्टॉक हैंडल के बारे में नहीं बता सकता। देखने में अच्छा है, ब्रेकिंग अच्छा काम कर रहा है, और हमने अभी इसको टेस्ट किया था बेसिकली कॉर्नर्स पे, कॉर्नरिंग भी अच्छा कर रहा है विद अ पिलियन। थोड़ा सा सस्पेंशन मुझे सॉफ्ट लगा, सॉफ्ट है सस्पेंशन, मुझे सॉफ्ट लगा, बट मैंने जो है सस्पेंशन की जो हाइट है, आई मीन जो एडजस्टमेंट है ना, उसको मिड में दिया हुआ, अदरवाइज इट वाज इवन मोर सॉफ्टर। ओके, हाँ, सो दिस इज द ओवरव्यू। बाइक ठीक ठाक सी है, आपके पास में है 3 लाख रुपए तो ले सकते हो ये भी और ये भी, डिसीजन फाइनली आपका। लॉन्ग टर्म रिव्यू इनके चैनल पे आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चलाया तो मैंने इन दोनों को कंपेयर करके आपको बता दिया मेरा ओवरव्यू। सो दैट वाज अ क्विक राइड एंड ओवरव्यू वीडियो, बहुत जल्दी से बनाया, रॉ था, कोई फैंसी शॉट्स नहीं, टू द पॉइंट बात करी, अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक और चीज़ है, कोई और इंक्वायरी हो तो इनको भी कमेंट करके पूछ सकते हो, इनके चैनल पे इस वीडियो के अंदर भी कमेंट करके बता सकते हो। राइट।
एंड थैंक यू मेरे को चलाने को देने के लिए. वेलकम. बहुत लोग मेरे हाथ में ना अपना बाइक नहीं देते और आपने क्योंकि वैसी कंडीशन में उनको मिलता नहीं जैसे वो मेरे को देते हैं. और सबसे बड़ी चीज है कि आप 5000 किलोमीटर चलने के बाद चलाए हो. राइट. इट इज इवन अ बेटर एक्सपीरियंस कि आप अगर शोरूम से लेते हो वो अलग ज्यादा चला नहीं है. सो ऑलरेडी 5000 इट हैज डन. सो वो है बात. चलो दोस्तों इसी नोट पे कर देते हैं वीडियो क्लोज क्योंकि हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं. और ये वाला जो पूरा व्लॉग है ना आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे इन द सीरीज. बेसिकली आज छठा या सातवां दिन है यहाँ पे. तो ये वाला जो पूरा प्रोग्राम जाओ भी हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं वो आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे. इसी नोट पे करते हैं वीडियो क्लोज. मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आप सभी का. बाय.